गाइस ये वाली हम लेके आए हैं डबिया, बड़ा ना मतलब ये देखो, ये मुझे इतना पसंद आया। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग जो है मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे आपको पता है कि गुड्डू हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो डिस्चार्ज डॉक्टर्स ने तो नहीं दिया क्योंकि 5 डेज वो एडमिट रही है, बट हम लोग खुद डिस्चार्ज लेके उसको घर पे ले आए हैं। और अभी भी मतलब जो सीआरपी रिपोर्ट थी, जैसे लेवल था वो काफी उसका अप जा रहा था, तो अभी तक डाउन नहीं हुआ। तो एक बार एंटीबायोटिक स्टार्ट करी है उसके घर पे, और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था, डॉक्टर ने उसको कहीं आने जाने से भी मना कर रखा है। इसलिए गाइस कुछ टाइम तक, जब तक गौरी बिल्कुल ओके नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती, तब तक मैं गुड्डू को व्लॉग में भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आपको पता है बच्चा बीमार होना, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार है वो, अभी तक भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जब तक गौरी ठीक नहीं होती, जब तक गौरी को मैं व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, कुछ रीजंस है उसके, वो बहुत जल्दी आपको बताऊंगी मैं क्यों नहीं दिखाऊंगी। और बाकी कल है अष्टमी, और दुर्गा अष्टमी पे मतलब आपको पता है मैं हर बार कंच की बिठाती हूँ, और मैंने इस बार भी माना था भगवान से कि गुड्डू जल्दी जल्दी से जैसे घर पे आ जाए, ठीक होके, ठीक तो नहीं हुई बट भगवान ने छुट्टी तो दिलवा दी उसको, तो माता रानी कंच के बिठाऊंगी। इसलिए मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कंचकों का सामान लेने, और रुकी मैं मम्मी के घर हुई हूँ क्योंकि गुड्डू की तबीयत जैसे खराब है, तो डॉक्टर ने उसको काफी हाइजीन मेंटेन करने के लिए और इन्फेक्शन से बचने के लिए भी कई चीजें बताई हैं, और जैसे घंटे घंटे पे उसको थोड़ी सी लिक्विड डाइट देनी है। तो मतलब 4-5 दिन मैं यहीं पे ही हूँ, उसके बाद दोबारा से हम उसका सीआरपी लेवल चेक करवाएंगे, अगर नॉर्मल होगा तो ही घर लेके जाऊंगी। और इसीलिए गौरी इस बार कंच के भी नहीं बैठेगी क्योंकि डॉक्टर ने उसको बिल्कुल मना करा है, एक तो ज्यादा किसी से मतलब कांटेक्ट में नहीं आना क्योंकि इन्फेक्शन वापस स्प्रेड हो जाता है। इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो या किसी और मतलब किसी और से दोबारा गुड्डू को ना हो। तो गाइज आप भी अगर मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो और आपके बच्चे को अगर फीवर है, क्योंकि गुड्डू को भी बहुत टाइम से फीवर रहा, क्योंकि बच्चे आपको पता है स्कूल भी जाते हैं, कुछ गंदा बंदा बाहर का ये तला मला भी खा लेते, जिसके कारण बच्चों के अंदर इन्फेक्शन जो बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे 10-15 केस ऐसे थे जिन बच्चों का सीआरपी लेवल काफी अप था, जहां पे मतलब 0.6 होना चाहिए वहां पे वो बहुत ज्यादा था। तो प्रे करना गुड्डू जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा हुआ पड़ा है, ठंडा ठंडा सा ऐसा लग रहा है कहीं पे बारिश हुई है, मैं ऐसे लग रहा है कहीं पे बारिश हुई है ना। हाँ ज्योमेट्री है ये, गिलास देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। फिर भी खाली गिलास डाल के देंगे, उसमें सूखे डाल देना हल्के से। सो गाइज ये कुछ डब्बियाँ मैं पसंद कर रही थी यहाँ पे कंचकों के लिए, आपको पता है बाजार में सारी रौनक ही कंचकों अष्टमी करके है माता की, तो डब्बियाँ देख रही थी मतलब कि कौन सी अच्छी लग रही हैं। अच्छी तो लग रही हैं। क्या क्या रेट की हैं? हाँ सो गाइज ये वाली डब्बियाँ हमें पसंद आई हैं, यही मम्मी को पसंद आई हैं, तो इसीलिए हम यही डब्बियाँ ले रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने घर बांटनी है, मम्मी ने यहाँ पे बांटनी है। और ये वाली जो डब्बियाँ ये माइक्रोवेव सेफ भी हैं, मतलब यूज़ अच्छी हो जाएंगी। और अब हम आए हैं गिफ्ट की शॉप पे, यहाँ पे हम देख रहे हैं गौरी के लिए टेबल, क्योंकि कल हम आए, कल मैं आई थी गौरी के लिए गिफ्ट लेने यूनिकॉर्न का, फिर ये गिफ्ट गौरी का मतलब नानी की तरफ से है, तो मम्मी ये गौरी को टेबल लेके दे रहे हैं कंचकों पे, तो यहाँ पसंद कर रहे हैं हम, क्योंकि गौरी को कब से स्टडी टेबल चाहिए था, तो ये कलर बड़ा लाइट था, फिर मैंने कहा डार्क कलर दिखाओ, तो ये डार्क कलर में हमने पसंद करा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूत है, और फिर यही हम पैक करवा रहे हैं बांटने के लिए बच्चों को। पर्स मतलब ये पर्स ना बड़े प्यारे लग रहे थे मेरे को, सोचा कि बच्चों को बांट दूंगी, बच्चे मतलब अच्छे से ना इससे मतलब पैसे जो होएंगे वो इकट्ठे भी कर लेंगे। तो ये सारे देखो अलग अलग से शेड के, मल्टी शेड के पर्स है सारे बच्चों के। बाकी गौरी का टेबल लाई थी, सारा अनबॉक्सिंग पहले ही कर दिया मैंने इसके अंदर, गौरी ने ही अनबॉक्सिंग कर दिया था ये मैंने कहा आ जाओ फिर दिखाती हूँ। ये वाले कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना, मम्मी की पसंद के हैं ये, है ना। माल भी भर देंगे, पैसे डाल के देंगे, चिल्लर डाल देंगे, काफी सारी फुल फुल हो जाएंगे इसके अंदर। वो है ना वो कागज से नहीं होते, वो रख रखे हैं।
ये सेम मम्मी, हाँ सेम ही आप लेके आए हो और सेम ही मैं लेके आई हूँ, एक जैसी होगी डबिया, सुंदर लग रही थी। हाँ क्वालिटी भी, मतलब ओवन सेफ भी है और क्वालिटी भी अच्छी थी, बहुत अच्छी है। और गाइस आज हमने फास्ट रखा है, बाहर ना छोले ब्रेड वाला है, छोले कुलचे वाला है, मम्मी कह रही हूँ छोले कुलचे खाते हैं, ये ध्यान नहीं है कि फास्ट है, अगर ना आता ना मैं सच में खा ही लेती। हाँ वो तो खा ही लेना था। और सामान गाइस आज इतना ज्यादा रश हो रहा है ना मार्केट के अंदर, क्योंकि कल है अष्टमी और हम मतलब 2 घंटे हो गए हमें गए हुए, पहले हम डब्बियां ढूंढते रहे घंटा, फिर बच्चों के लिए, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा मैंने वो डोम्स वाले होते ना, मतलब पेंसिल रबर शार्पनर ये सब कुछ बांटा था, तो इस बार वो नहीं लेके आई, और हर बार मैं बांटती हूँ, मतलब पिन होते हैं जैसे रबड़ होते हैं और हेयर बैंड होता है, इस बार मैं कुछ यूनिक सा लेके आई हूँ। यूनिक सा ये कि मैं पर्स मल्टी शेड किया, तो बच्चों बच्चे भी खुश हो जाएंगे, दूसरी बात है बच्चे जो पैसे इकट्ठे करेंगे वो इसमें डाल के उनके आराम से सेफ भी रहेंगे, और बच्चों को पर्स का शौक भी बड़ा होता था, और ज्यादातर बच्चों को शौक होता है गिफ्ट का, मतलब पहले जब हम छोटे थे हम कंच को भी जाते थे ना, हम पहले ही कहते थे कि हाँ यहाँ ज्यादा गिफ्ट मिलेगा तो हम इन्हीं के घर जाएंगे, ऐसे बच्चों को शौक होता है, इसलिए मैंने कहा नहीं हर बार मैं गिफ्ट देती हूँ, तो इस बार भी कुछ स्पेशल सा बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आऊंगी। गाइस ये कुछ ये देखो रबड़, कितना प्यारा रबड़ है ना, मतलब ये देखो ये मुझे इतना पसंद आया, मैं स्पेशल लेके आई रबड़, ये गुत्ते बनी हुई है और एक ये वाला, ये मतलब पिन है और ये वाला रबड़ है, ये जैसे बुहू स्टाइल नहीं होता उसी स्टाइल का ये रबड़ है, जैसे हम बॉम्बे में जाते हैं वहां पे बुहू स्टाइल चलता है, तो ये एक पिंक कलर मिला मुझे इसमें और कलर नहीं मिला, बाकी थोड़े से मैं ये घर के लिए रबड़ लेके आई थी, क्योंकि हमारे पास जितने भी रबड़ होते हैं ना सब मतलब गुम वगैरह हो जाते हैं। गाइज ये बैठे हमारे लड्डू जी मंदिर में, किसके छिलके, ये धीरे जाओ उसका नाम मैसे गाइस देखो ये मेरे पति का सेब छिला हुआ है, इसके अंदर छिलके छिलके ही है, और तभी तो अरे मेरे को पता है क्या कहता है, कहता तू सेब ना काटा कर आधा सेब गिर देती है, हाँ वो मैं हूँ, और ये धीरज का छिला हुआ, ये धीरज का छिला हुआ सेब है भाई, एप्पल वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो कहता हाँ समझदार बंदा है। इतने से मटर बहुत है मटर पनीर के लिए, नहीं आप व्रत में तो मटर पनीर नहीं खा सकते, नहीं मटर नहीं खा सकते, पनीर ओनली, अच्छा मटर अन्न होता है, हाँ फिर आपा क्या खाएंगे, आपा खानी रोटी रात को, अच्छा रोटी नहीं खानी, सारा दिन पाड़ते रहो तो, हाँ वैसे गए थे हमने सुबह बनाई थी सौंख वाली खिचड़ी और तरी वाले आलू, खरबूजे ले आते हैं खरबूजे खा लेंगे रात को, बड़े हैं मेरा कल से मन कर रहा है खरबूजे खाने का, मैं नहीं पीती मैंगो शेक, देखा है किसी का बड़ा अच्छा लग रहा था किसका देखा है, हाँ तो फिर पी लेना, हाँ मैं तो मैंगो शेक पीती नहीं, मैं तो वही बनाऊंगी, मैं तो वही बनाऊंगी, क्या खरबूजा खाऊंगी, खरबूजा किथे पे है, खरबूजा विकता नहीं रहा, मैनू तो किथे भी नहीं विकता पिया, हाँ पड़ा है, ये पड़ा गाइस खरबूजा, छोटी छोटी खरबूजियां हैं ये, खरबूजा थोड़ी है, निक्की निक्की, हाँ निक्की निक्की खरबूजियां। और मैं जाऊंगी गाइस सुबह 4-5 बजे घर पे, क्योंकि कंचके बिठानी है, बस रात को छोले वगैरह भिगोए आऊंगी, बाकी कंचके तो मॉर्निंग में बिठानी है, इसलिए नहा के सुबह ही चली जाऊंगी घर पे, और बाकी देखते हैं अब फ्रूट खाएंगे, क्योंकि रोटी तो खानी नहीं है, फ्रूट ही खाएंगे, क्योंकि दोनों टाइम कहते हैं ना व्रत रखा हो तो एक टाइम खाते हैं, हमने आज एक टाइम सुहाग के चावल खा लिए सुबह, और अब फ्रूट ही खाएंगे। भाई जी देखो गौरी के हाथ पे जहाँ ट्रिप लगी थी, सारी स्वेलिंग भी आ रखी है। सो गाइज रात के बच चुके हैं 12 और बस मैं सोऊंगी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के मैंने कंजके बिठानी है, तो अगला वाला व्लॉग गाइज बिल्कुल भी स्किप मत करना और मिस मत करना, क्योंकि अगले व्लॉग में अष्टमी पूजन करेंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे और आप सबको भी आशीर्वाद दिलवाएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और हाँ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना SD Vlogs Official और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने कमेंट में हमें बताना कि आपको किस तरह के व्लॉग अच्छे लगते हैं, तो हम वैसा व्लॉग ही बनाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय गाइस।